क्लास 10 से क्लास 11 में जा चुके हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा, बट फिफ्थ सब्जेक्ट की चॉइस एक ऐसी चॉइस है जो बच्चे यूजुअली इग्नोर करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं। कौन सा आप सब्जेक्ट लेते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन योर लेटर करियर चॉइसेस। आई एम गोना टॉक अबाउट पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस टुडे, एंड तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बेनिफिट ऑफ टेकिंग कंप्यूटर साइंस एज ऑप्शनल सब्जेक्ट इज समथिंग जो आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप इंजीनियरिंग करते हो, चाहे वो कोई भी कॉलेज से हो, कोई भी ब्रांच हो, फर्स्ट और सेकंड ईयर में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जिन बच्चों ने क्लास 11 और 12 में कंप्यूटर साइंस कर ली होती है उनके लिए कॉलेज में ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा इजी हो जाता है, बट जिन्होंने नहीं की होती वो 2 साल की कंप्यूटर साइंस उन्हें 4 महीने में घोटनी होती है। ऐसा नहीं है वो कर नहीं पाते, बट उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सेकंड बेनिफिट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कंप्यूटर साइंस 11 12th में ही नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाता है, एंड दैट इज हाउ टू टेक डिसीजंस इन अ प्रोसीजरल मैनर। ऐसे माइंड को हम टेक्निकल माइंड बोलते हैं जो इस तरीके से डिसीजन लेते हैं। आई एम गोना टॉक अबाउट अनदर ऑप्शनल इन माय नेक्स्ट वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कौन सा ऑप्शनल के बारे में आपको जानना है।